हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी। सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी तक हमने सिविल जॉब्स एकेडमी के चैनल में एमबीपीएससी प्री 2022 के गाइडेंस से रिलेटेड 3 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें पहला वीडियो मैंने अंतिम जो 7 दिन हैं उसमें प्री की तैयारी इस तरह से करनी चाहिए, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके बारे में मैंने बताया था। फिर दो जो वीडियो उसके बाद मैंने अपलोड किए हैं वो करंट अफेयर्स संबंधित थे, संभावित जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं उन पर मैंने विस्तार से चर्चा की थी। और आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि एग्जाम के एकदम नज़दीक एक दो दिन पहले और एग्ज़ाम देते समय आपको क्या सावधानी बरतनी है, किस तरह की रणनीति आपको अपनानी है, इस पर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, आप सभी ने अपने एडमिट कार्ड निकाल लिए होंगे। अगर किसी ने नहीं निकाले हैं तो एडमिट कार्ड निकाल लें और उसको सही ढंग से देख लें, समझ लें, पढ़ लें उसको। उसमें कभी कभी जो है कुछ मिस्टेक्स होती हैं, कुछ त्रुटियां होती हैं, तो उन त्रुटियों के बारे में जो है लोक सेवा आयोग को बताएं, अवगत कराएं और उसमें त्रुटि सुधार के लिए आवेदन करें आयोग से। वैसे तो त्रुटि होती नहीं है, पर अब कभी त्रुटि उसमें आ रही है तो उसके बारे में आयोग को जरूर बताएं। इसके बाद फिर उसमें जो सेंटर रहेगा उस सेंटर के बारे में अच्छे से जानकारी करें, उसकी लोकेशन पता करें। अगर हो सके तो एक दिन पहले सेंटर आप देख लें, वहाँ जा कर के देख के आ जाएं। कभी कभी क्या होता है कि एक ही नाम से कॉलेज भी होता है और स्कूल भी होता है। मान लीजिए आपका उस नाम से कॉलेज में सेंटर आया है और आपको जानकारी दी गई है उस नाम से स्कूल की, लोकेशन आपको बता दी गई भाई वहाँ पर वो सेंटर है, लेकिन आपने जाकर के वहाँ देखा नहीं है, आप निश्चिंत हो गए कि वहीं पर मेरा सेंटर, उसकी लोकेशन बता दी गई। जब आप एग्ज़ाम के दिन देने जाएंगे एग्ज़ाम, तो आपको पता चलेगा कि मेरा सेंटर तो कॉलेज में है, ये तो स्कूल है, तो ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप वहां जाकर के प्रत्यक्ष रूप से देख लें, जिससे आप निश्चिंत हो जाएंगे, एग्जाम के दिन जो है आपको कोई प्रॉब्लम या टेंशन नहीं रहेगा, है ना। तो एग्जाम सेंटर से संबंधित आपको पूरी डिटेल पहले ही कर लेना है। इसके बाद जो आपने स्टडी का टारगेट बनाया है, जो लक्ष्य डिसाइड किया हुआ है, उसको एक दिन पहले ही जो है अचीव कर लें, उसको पूरा कर लें। एक दिन पहले का मतलब 21 तारीख को आपका एग्ज़ाम है तो उसको 19 तारीख को ही जो है कंप्लीट कर लें। 20 तारीख का जो समय है उसको आप फ्री रखें, है ना, उसमें पढ़ने के लिए ऐसा कुछ नहीं रखें। उसमें कुछ जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपने पहले पढ़ तो ली हैं लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इनका और रिवीजन करना है, तो वो चीज़ आप रख सकते हैं। मतलब ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है, 19 तारीख तक जो है आपको सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेना है। जो भी आपने टारगेट बनाया है उस टारगेट को पूरा कर लेना है। 20 तारीख को आप फ्री रहें, म्यूजिक सुने, है ना, एंटरटेनमेंट करें, अपने फ्रेंड से, दोस्तों से, घर वालों से बातचीत कर लें, मूड फ्रेश करें कुल मिला के। उस समय जो है किसी से कोई डिस्कस सिलेबस संबंधी, सब्जेक्ट संबंधी नहीं करें। मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन पूछने का इस समय बिल्कुल भी नहीं करना है, ना ही किसी से क्वेश्चन पूछना है और ना ही किसी को क्वेश्चन पूछने देना है, क्योंकि ये बहुत घातक हो जाता है। अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन कोई पूछा और आपसे नहीं बना तो आप
टेंशन में आ जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, तो ऐसी चीज आपको नहीं करना है इस समय। रात को यानी 20 तारीख को रात को आपको जल्दी सो जाना है, उस रात को हल्का खाना लेना है। रात में ये ध्यान रखें कि किसी प्रकार का चिंतन नहीं करना है सब्जेक्ट से संबंधित, है ना, किसी सब्जेक्ट संबंधी जीएस से संबंधित कोई भी चिंतन आपको नहीं करना है उस रात को। अगर आपने ऐसा किया तो आपको पूरी रात जो है नींद नहीं आएगी। आपने अगर कुछ सोचा विचार किया तो आप रात भर जो है वही सोचते रह जाएंगे और आपको नींद नहीं आएगी। तो ऐसी स्थिति में फिर वो गाना याद आता है, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, पीएससी प्री की कसम, इस तरीके से जो है ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जो है आपका जो सब्जेक्ट है उस पर कोई बात नहीं करें, कोई विचार नहीं करें, अदर चीज़ें आप सोचें और जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठ जाएं और सुबह उठ करके फ्रेश हो जाओ, नहा दो लो। लेकिन पढ़ने का बहुत ज़्यादा उस समय भी आपको नहीं रखना है, कुछ जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आप पढ़ सकते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा लोड लेकर के उस समय नहीं पढ़ना है। इसके बाद सेंटर आपको जल्दी पहुंचना है, पौन घंटे एक घंटे पहले आपको अपने सेंटर पे पहुंच जाना है। सेंटर पहुंच करके आपको जिस हॉल में आपका रोल नंबर है उस हॉल या कमरे को जाकर के चेक कर लेना है। हॉल के गेट पर जो है रोल नंबर लिखे रहते हैं, पहले तो जो है एक अलग जगह रोल नंबर लिखे रहेंगे जिसमें आपको हॉल या रूम नंबर का पता चल जाएगा। फिर उस रूम नंबर में जा कर के जो है वो देख लें, वहाँ पर लिस्ट लगी रहती है गेट पर, तो उसमें आपको रोल नंबर जाके देख लेना है कि हमारा रोल नंबर इसमें है कि नहीं। रोल नंबर आपने देख लिया, रूम देख लिया, आप निश्चिंत हो गए। फिर आप जो है अगर कुछ पढ़ना चाहें उस दौरान तो पढ़ सकते हैं, आपके पास करीब आधा घंटे पौन घंटे का समय रहेगा। लेकिन मैंने पहले बताया कि लोड लेके आपको नहीं पढ़ना है, बहुत फ्री माइंड होकर के चीज़ों को पढ़ना है। वहाँ पर भी किसी से कोई चर्चा, किसी से कोई डिस्कस, किसी से कोई प्रश्न नहीं पूछे उस समय। टाइम होने पर आप अपने जहाँ पर आपको रोल नंबर है वहाँ पर जाके बैठ जाएं, टेबल पर रोल नंबर लिखे रहते हैं, अपनी टेबल पर ही जाके बैठें रोल नंबर देख करके। फिर आपको जो है OMR सीट दी जाएगी, सबसे पहले OMR सीट दी जाती है। OMR सीट को ध्यानपूर्वक पढ़ करके और उसमें गोले फिल करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ जिसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, चाहे नए स्टूडेंट हो चाहे पुराने स्टूडेंट हो, सभी गलती करते हैं। आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको डरना नहीं है, पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, करें हम तो पहले दिए हुए हैं, हमसे गलती थोड़ी होगी। गलती किसी से भी हो जाती है, मेरे पास एग्जाम देने के बाद बहुत सारे बच्चे आते हैं, ये प्रॉब्लम लेके आते हैं कि सर मैं तो ये फिल करना भूल गए, या इसमें ये हमने फिल गलत फिल कर दिया, तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, है ना। तो बहुत ध्यानपूर्वक आपको जो है चीज़ों को पढ़ना है, जो भी प्रविष्टियां हैं OMR सीट में, और उनको अच्छे से फिल करना है। कुछ भी अगर डाउट है तो आप वहाँ पर जो ड्यूटी में इन्विजिलेटर होते हैं उनसे पूछ लें, है ना, अपनी तरफ से गलत फिल नहीं करना है। गलत फिल हो जाता है तो उसमें व्हाइटनर का उपयोग नहीं करना है, ये भी ध्यान रखें। बच्चे व्हाइटनर ले जाते हैं उसका उपयोग करते हैं तो इससे क्या OMR सीट रिजेक्ट हो जाती है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ कि हर सेंटर में कुछ एक्स्ट्रा OMR सीट होती हैं, तो कभी आपसे गलत फिल हो जाए OMR सीट में तो वहाँ पर आप डिमांड कर सकते हैं। ये रेयर केस में कह रहा हूँ मैं, इसको आप इस रूप में नहीं लेना कि सर ने बोल दिया कि दूसरी मिल जाती है तो अब आप लापरवाही से OMR सीट फिल करें, ये इमरजेंसी की बात है। हो सकता है कि वो आपको मना कर दें कि भाई हम नहीं देंगे आपको OMR सीट, ऐसा भी हो सकता है, तो वो एक इमरजेंसी की बात बता रहा हूँ। कुछ केसेस ऐसे हुए हैं कि उनको OMR सीट गलत होने की स्थिति में दूसरी OMR सीट दी गई है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये इमरजेंसी की बात है, आपको ध्यानपूर्वक OMR सीट को फिल करना है। कई बच्चे क्या करते हैं किसी दूसरे की OMR सीट देख करके फिल करने लग जाते हैं, तो उसमें गलती होने के बहुत चांस रहते हैं। कई बार क्या होता है कि उसने जो रोल नंबर भरा है, जो डेट ऑफ बर्थ भरी है, आपने भी उसकी वही भर दी, आपने ध्यान नहीं दिया कि मैं क्या भर रहा हूँ,
है ना, तो किसी की ओएमआर सीट देख करके आपको अपनी ओएमआर सीट नहीं भरना। क्या क्या उसमें प्रविष्टियां होती हैं, उसमें आप ये देखिए, इसमें नाम रहता है, यहाँ पर नाम मेंशन है, तो नाम को आपको फिल करना है। फिर इसमें क्वेश्चन बुकलेट नंबर का कॉलम है और फिर डेट ऑफ बर्थ है। इसमें केवल आपको नंबर भरना है, इसमें गोले नहीं भरना है। फिर रोल नंबर, इसमें आपको पॉइंट भी, इसमें गोले भी भरना है, नंबर भी लिखना है। फिर पेपर, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, उसका आपको गोला भरना है। फिर इसमें क्वेश्चन बुकलेट नंबर, क्वेश्चन बुकलेट सेट का कॉलम होता है, वो आपको भरना है। फिर इसमें एक है, आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, सिविल सर्विस, स्टेट सिविल सर्विस या स्टेट फॉरेस्ट सर्विस, इसका कॉलम यहाँ पर दिया रहता है। तो इन सभी को आपको ध्यानपूर्वक भरना चाहिए। इसमें गलती कहाँ होती है भरने में, गलती होती है सेट भरने में। क्वेश्चन पेपर का जो सेट है वो बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि वो बाद में भरना होता है, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तभी आप उसको भर पाएंगे, और क्वेश्चन पेपर आपको बाद में दिया जाता है, तुरंत नहीं दिया जाता है ना। तो आप जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले, तुरंत जो है आप देखें सेट, कौन सा सेट आपको मिला है, और उस सेट एबीसीडी में से होगा, तो उसको जो है यहाँ पर आपको फिल कर देना है। यहाँ पर देखिए एबीसीडी के सेट दिए हुए हैं, तो इनको जो है यहाँ पर जो भी है उसको आपको फिल कर देना है। फिर आपको उसी में एक बुकलेट नंबर रहता, देखिए मैं इसमें, ये देखिए ये सेट है, सेट बी इसमें है, ये 2021 का पेपर है, उसमें सेट बी दिया हुआ है, तो सेट बी आपको उसमें फिल कर देना है। फिर एक क्वेश्चन बुकलेट नंबर होता है, ये है क्वेश्चन बुकलेट नंबर, भी बच्चे गलत भर जाते हैं या नहीं भर पाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ये एक्स से स्टार्ट है और ये 8 डिजिट है इसमें, तो एक्स से स्टार्ट करके आपको 8 डिजिट ऐसे टोटल एक्स है फिल करना है। इसके गोले नहीं भरना है, इसमें केवल पॉइंट ही, नंबर ही आपको लिखना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको ये चीज फिल करनी है इसमें। पेपर फर्स्ट या सेकेंड जो भी आपको मिला है, पहला पेपर जीएस का, दूसरा पेपर सीसेट का होता है, वो आपको इसमें फिल करना। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कभी कभी जो है ये फिल करना, ये गोला भूल जाते हैं। यहाँ पर देखिए मेंशन किया है मैंने कि आप स्टेट सिविल सर्विस दे रहे हैं या स्टेट फॉरेस्ट सर्विस दे रहे हैं या दोनों दे रहे हैं, तो जो आपको देना है या जिसके लिए आप एलिजिबल हैं वो भरना है। स्टेट सिविल सर्विस के लिए सभी एलिजिबल होते हैं, कुछ फॉरेस्ट सर्विस के लिए एलिजिबल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो आप केवल स्टेट के लिए, स्टेट सिविल सर्विस के लिए एलिजिबल हैं तो आपको एक ही गोला भरना है, दोनों के लिए एलिजिबल है तो दोनों आपको भरना है। तो इसमें लिखा रहता है कि अगर आपने नहीं भरा तो आप अयोग्य माने जाएंगे, है ना। तो ये बहुत ध्यानपूर्वक आपको भरना है। रोल नंबर में पॉइंट आपको लिख करके फिर नीचे गोला फिल करना होता है उसी के सीध में, है ना। जैसे आपका 1, 3, 5, 8, 7 है, 8 है, 9 है, है ना, ये है। तो इसके नीचे जो पॉइंट है, जैसे 1 है तो 1 में आपको गोला फिल करना है, 3 है तो 3 में आपको गोला फिल करना है, ये 5 है तो 5 वाला गोला फिल करना है। इस तरीके से जो है आपको ध्यान रखना। हालांकि ज्यादातर बच्चों को पता है, लेकिन नए जो बच्चे हैं वो गलती करते हैं, पुराने भी कभी कभी गलती कर देते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो ये है ओएमआर शीट फिल करने का तरीका। इसमें जैसे मैंने बताया, गलत हो जाए तो व्हाइटनर का यूज नहीं करना है, वहां पर जो कंसल्ट कर लें। अगर नई ओएमआर शीट दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई दूसरा तरीका आप ढूंढ सकते हैं। वैसे प्रयास ये करना है किसी प्रकार की गलती नहीं हो। फिर उसमें निर्देश दिए जाते हैं, ओएमआर शीट में निर्देश दिए रहते हैं, क्वेश्चन पेपर में निर्देश दिए रहते हैं, उनको ध्यानपूर्वक आप पढ़ लें। हो सकता है कुछ ऐसे निर्देश हैं जो आपको पता नहीं है उसमें दिए हो, तो उसको निर्देश सही ढंग से आपको पढ़ लेना। फिर इसमें यहाँ पर सिग्नेचर का रहता है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर आपको ध्यानपूर्वक करना है, है ना। तो इस तरीके से जो है ये ओएमआर शीट फिल करने के तरीके मैंने आप लोगों को संक्षेप में बताए हैं। इनका बहुत सावधानीपूर्वक आपको इनको ध्यान रखना है और इनको आपको भरना है। इसके बाद आपको पेपर मिलेगा, जैसे ही टाइम होगा आपको पेपर दे दिया जाएगा। तो पेपर जैसे ही आपको मिलता है, उसमें आपको तीन खास चीजें ध्यान रखना है, तीन चीजें फिल करना है। एक तो उसका सेट एबीसीडी, फिर बुकलेट
क्वेश्चन बुकलेट नंबर यहाँ पर देखो दिया हुआ है, ये दोनों आपको फिल करना है। इसके केवल पॉइंट लिखना है और सेट का गोला आपको फिल करना है, और फिर जो है इसमें आपके रोल नंबर का कॉलम क्वेश्चन पेपर में रहता है, तो अपना रोल नंबर अपने क्वेश्चन पेपर में तुरंत आप भर दें और फिर जो है आप पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। पेपर सॉल्व कैसे करना है, कैसे गोले भरना है, उसके जो है दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये होता है कि पेपर आपने पढ़ना स्टार्ट किया और गोले भरना वहीं से स्टार्ट कर दिया, पेपर पढ़ रहे हैं और गोला भरते जा रहे हैं एक ही बार में, ऐसा हम करते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम पहले पेपर पूरा पढ़ लेते हैं अच्छे से और फिर गोला भरना स्टार्ट करते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आधा पेपर हमने पढ़ लिया, गोला भरे, फिर आधा पेपर भरा और फिर वो गोले भरे। तो ये तीन तरीके ऐसे हो सकते हैं। पहला जो तरीका मैंने बताया है कि पढ़ते ही गोला भरना, ये जो है सेकेंड पेपर सीसेट के लिए अच्छा है। दूसरा जो तरीका है कि एक बार पेपर पढ़ करके फिर दूसरी बार पढ़ते हुए गोले भरना, ये जो है फर्स्ट पेपर के लिए ज्यादा अच्छा तरीका है ना। तो इस तरीके से ये दोनों पेपर में अलग अलग तरीके हम अपना सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं तरीका। तो जो दूसरा तरीका है पेपर फर्स्ट के लिए, मैंने बताया कि एक बार पेपर पूरा पढ़ लिया है और फिर हम दूसरी बार पढ़ करके उसके गोले भर रहे हैं, तो इसमें कुछ साइड इफेक्ट भी है, कुछ अच्छी चीजें भी हैं। साइड इफेक्ट ये है कि कभी कभी पढ़ने में बहुत ज्यादा विलंब हो जाता है, फिर गोला नहीं भर पाते हैं। कई बच्चों ने कंप्लेन की मुझे कि सर ऐसा हमारे साथ हुआ, पेपर हमारा छूट गया, जो है जैसे 2020 का पेपर बहुत लेंदी आया था, तो 2020 के पेपर में कुछ लोगों के क्वेश्चन छूट गए थे, गोला नहीं भर पाए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा समय ले लिया था सॉल्व करने में, है ना। तो पेपर को हमें जो है जल्दी सॉल्व कर लेना है। उसमें ये है कि हाँ, ये साइड इफेक्ट है। फायदा इससे क्या है, फायदा इससे ये है कि एक बार हम जब पेपर पढ़ते हैं तो कुछ चीजें क्लियर नहीं होती हैं, दूसरी बार पेपर पढ़ने से और गोला भरने से हमें चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती हैं, तो दो बार पेपर ऐसे अच्छे से पढ़ा जाता है तो हमें जो है चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। दूसरा इसका एक फायदा ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही पेपर में एक क्वेश्चन का आंसर उसी पेपर में मिल जाता है। पहले एक क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन उसी पेपर में आगे मिलेगा, तो वहां से जो है उसका आंसर आपको क्लियर हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। जैसे एक बार 2020 का क्वेश्चन आया था, है ना, गोधन दउआ किसके सेनापति थे, तो ये क्वेश्चन था, उसमें जो ऑप्शन थे तो उसमें हीरापुर के जो राजा थे हृदय साय वो ऑप्शन था, तो यही क्वेश्चन आगे भी था कि हृदय साय जो है किस क्षेत्र के शासक थे, तो हीरापुर के थे, तो उस ऑप्शन में आगे का जो क्वेश्चन है उसका आंसर कवर हो गया। तो ऐसा कई बार हम देखते हैं कि इस तरह की चीजें हो जाती हैं, उसका फायदा मिल जाता है, तो ये दूसरा तरीका ज्यादा सही है, लेकिन समय का बहुत ध्यान रखना है। इसका मैं तरीका बता रहा हूं कि पहली बार में आप जो है 45 मिनट में पूरा पेपर एक बार पढ़ लें, 45 मिनट्स में एक बार पूरा पेपर पढ़ लें सरसरी निगाह से, उसमें हल्का हल्का टिक कर लें जो भी आपको आंसर सही लग रहे हैं, एक बार ऐसे आप पेपर पढ़ लेंगे। तो एक बार पेपर पढ़ने से क्या है, माइंडसेट भी हो जाता है, आपको पता चल जाता है किस लेवल का पेपर है, कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चन है ना। फिर दूसरी बार उसको गोला भरें उसके, और 30 मिनट में आप गोला कंप्लीट कर लें, लगभग 60 क्वेश्चन आप जो है ऐसे कर लेंगे, मतलब 60 क्वेश्चन के गोले पढ़ करके आप लगभग सवा घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। आपके पास 45 मिनट का समय रहेगा, 45 मिनट के समय में आप जो है दूसरे राउंड में क्वेश्चन पेपर को पढ़ करके और बाकी जो गोले हैं उनको भर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है अगर आप करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा और सारा पेपर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, गोले भी भरा जाएंगे। 45 मिनट का समय आपके पास रहेगा, आधा घंटे में जो है 30 क्वेश्चन और आप सॉल्व कर सकते हैं जिनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एकदम
नहीं आपको आ रहे हैं, दो में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो 30 क्वेश्चन आप जो जो हैं उनको आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गए 60 और 30, 90 क्वेश्चन हो गए। बचे आपके 10 क्वेश्चन, उनको 15 मिनट में आप सॉल्व कर लें। वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल भी नहीं आपको आ रहे हैं, तुक्का लगाना है, तो उनको जो है 15 मिनट में उनको अच्छे से सॉल्व करके, एनालिसिस करके, कोई कोड बना के, जो भी आप जिस तरह से उसको सॉल्व करें, तो उसको 15 मिनट में बाकी के क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन बचे हुए उनको सॉल्व करके आ जाए। तो ये तरीका इसका होता है। गोला भरने के दो तरीके हैं। एक तो गोला जो है हम अंदर से स्टार्ट करके बाहर आते हैं, है ना, अंदर से स्टार्ट करेंगे और ऐसे बाहर आएंगे। दूसरा एक तरीका होता है कि बाहर से स्टार्ट करके अंदर जाते हैं। बहुत छोटी चीज है हालांकि ये, लेकिन काम की चीज है। जैसे बाहर से स्टार्ट करके हम अंदर जाते हैं तो उससे क्या है, परफेक्ट गोला भराता है, है ना, उसमें क्या है, इधर उधर नहीं भरता है गोला, प्रॉपर जो है गोला भरा जाता है। अंदर से बाहर जब गोला भर के आते हैं तो जो है वो इधर उधर हो जाता है, वो पता चला कि दूसरे गोले में टच हो गया, है ना। तो बाहर से स्टार्ट करके और अंदर तक गोला आपको फिल करना है। गोला भरने में कभी कभी जो है ऊपर नीचे हो जाता है। मान लीजिए हमें 40 का गोला भरना है तो 41 में भरा जाता है, या 42 में भरा जाएगा, ऊपर भरा जाएगा, नीचे भरा जाएगा। या कभी कभी जो है एक ही के दो गोले भरा जाएंगे, ऐसे 40 है तो 40 के ही दो गोले भरा जाएंगे, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा आपका। सही अपने अपने हिसाब सही उसमें गोला भरा है, लेकिन दो गोले भरा गए तो रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा वो क्वेश्चन, है ना। तो उसका तरीका ये है कि आपको जो क्वेश्चन नंबर है उसमें उंगली रख करके फिर उसके सीध में जा करके ABCD में गोला फिल करना है, है ना। उंगली रखने से क्या है, ये ऊपर नीचे की प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। जो भी आपको गोला भरना है, जैसे आपको 16 नंबर का गोला भरना है तो 16 के वहां पर उंगली रख लेंगे, फिर उसी के सीध में जा करके ABCD में जो भी आपको भरना है वो गोला आपको फिल करना है। तो इससे जो है ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ऊपर नीचे की समस्या जो होती है। पेपर सॉल्व करते समय बहुत सावधानी आप बरतें, पेपर को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, चारों ऑप्शन पढ़ें। हाँ, पेपर सॉल्व तीन राउंड में हम करते हैं, करना चाहिए। फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है जो आपको 100% आ रहे हैं, इसमें डाउट नहीं है, उनको पहले आप फटाफट सॉल्व कर लें। सेकेंड राउंड में ऐसे क्वेश्चन देखें जिनमें दो में कन्फ्यूजन आपको हो रहा है, मतलब दो तो क्लियर है कि नहीं है, दो में कन्फ्यूजन है कि ये सी है, डी है, या ए है, बी है, तो उनको फिर सेकेंड राउंड में अच्छे ढंग से सॉल्व करें, समझ करके, है ना, एनालिसिस करते हुए सॉल्व करें। फिर लास्ट में जो तीसरा राउंड होगा उसमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं और आपको सीधा तुक्का लगाना है, तो उनको जो है लास्ट में सॉल्व करके आ जाए। फिर OMR सीट को सही ढंग से बाद में देख लें, सारे क्वेश्चन मिला लें, 10-15 मिनट का टाइम आपके पास रहेगा, बाद में बचा लें उतना टाइम, उसमें आप देख लें कि कोई कॉलम जो है, कोई गोला खाली तो नहीं रहा है, है ना, फिर मिला लें पेपर से फटाफट फटाफट, ए का बी, दो का सी, ऐसा करके मिला लें, तो उससे आपको चेक हो जाएगा कि कोई हमारा गोला खाली नहीं है और सारे गोले फिल हैं और प्रॉपर फिल, है ना। तो ये गोला फिर करने का है। इसके अलावा मैंने जैसे बताया कि पेपर सही ढंग से आपको पढ़ना है, चारों ऑप्शन देख करके गोला आपको फिल करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, हड़बड़ी नहीं करना है। पेपर अगर टफ आता है तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, पेपर टफ आता है तो डिमोरलाइज नहीं होना है, पेपर सरल आता है तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि जो भी होगा वो सभी के लिए होगा, कंपटीशन। पेपर अगर इजी आता है तो सबके लिए इजी होगा, सभी से बनेगा। पेपर अगर टफ आता है तो सभी के लिए टफ होगा, आपके लिए टफ, सभी के लिए टफ। तो उसमें जो है आपको विचलित नहीं होना है, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस से ही जो है एग्जाम अच्छा जाता है। ऐसा कहा जाता है जिस प्रकार से युद्ध
साहस के जरिए जीते जाते हैं, वैसे एग्जाम कॉन्फिडेंस के जरिए फाइट की जाती है, क्लियर की जाती है। तो कॉन्फिडेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है, कॉन्फिडेंस को आप लूज नहीं होने दें, कॉन्फिडेंस का लेवल हमेशा एग्जाम देते समय बराबर होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि पेपर यही आ गया तो बच्चा जो है पूरे ऑप्शन ही नहीं पढ़ता है सही ढंग से, है ना। पेपर इजी आने पर क्या करता है वो ऑप्शन पूरे नहीं पढ़कर एक ऑप्शन देखा लगा के आगे बढ़ते। एक बार ऐसा क्वेश्चन है, मैंने पहले भी कई बार बताया है बच्चों को क्लास में वीडियो के माध्यम से, एक बार बहुत पहले क्वेश्चन आया था कि भारत की राजधानी क्या है, उसमें दिल्ली भी ऑप्शन था और नई दिल्ली भी ऑप्शन था। पहले ऑप्शन था ए दिल्ली और लास्ट सी डी में से नई दिल्ली थी। तो कई बच्चों ने क्या है कि आगे देखा ही नहीं, दिल्ली देखा और सीधे लगा के आगे बढ़ गए, है ना। तो इस तरीके से जो है ऐसी गलती नहीं करना है, जब उन्होंने बाहर निकल के देखा कि उसमें नई दिल्ली भी दिया हुआ है तो वो उनको प्रॉब्लम हो गई कि भाई देखो इतना सरल क्वेश्चन गलत कैसे कराए हम। तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं, है ना। तो चारों ऑप्शन आपको पढ़ना है, चाहे पेपर इजी हो चाहे टफ हो। टफ रहता है तो बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं, प्रेशर में आकर के जो है गलतियां कर जाते हैं। जैसे 2020 का पेपर टफ था, लेकिन ऐसा टफ नहीं था कि बच्चे नहीं सॉल्व कर पाए, उसका कट ऑफ भी बहुत नीचे गया था। तो उसमें कई बच्चों ने प्रेशर में आकर के चीजें गलत की थी, क्वेश्चन गलत किए थे। इतना पेपर टफ नहीं था कि पेपर सॉल्व अच्छे से नहीं किया जा सके, है ना। तो पेपर चाहे जैसा हो, इजी हो टफ हो, आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखना है और सही ढंग से एनालिसिस करते हुए चारों ऑप्शन पढ़ते हुए पेपर को सॉल्व करना है, गोला भरना है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि अगर आपको तुक्का लगाना है, आपको चार ऑप्शन में से कुछ भी पता नहीं कि कौन सा सही है, तो ऐसी स्थिति में कुछ टिप्स का हम यूज कर सकते हैं। मैंने पहले भी ये टिप्स बताई हैं, हालांकि ये टिप सार्वभौमिक सत्य नहीं है, मतलब ये टिप्स जो है हमेशा यूज नहीं कर सकते, तभी यूज करेंगे जब आपको चारों ऑप्शन में से कुछ भी पता नहीं हो, आपको कोई भी ऑप्शन लगाना हो, तुक्के में लगाना हो, तो इनको आप इन टिप्स को आप अगर यूज कर लेंगे तो आपका आंसर सही हो सकता है, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है। आप सोचो कि सर आपने ऐसा बोला था, हमने वैसा किया लेकिन हमारा आंसर गलत हो गया, तो उसकी गारंटी नहीं दे सकते। पहली चीज ये है कि आपने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, आपको स्ट्राइक हुआ, आपको क्लिक हुआ, ये इसका चार ऑप्शन में से ये सही है, तो वही आपको ऑप्शन सही लगाना है, उसी में गोला लगाना है, चाहे कुछ भी हो, उसको आप चेंज नहीं करें, क्योंकि फर्स्ट स्ट्राइक का जो ऑप्शन होता है वो ज्यादातर सही होता है। उसका कारण ये है कि आपने कहीं ना कहीं जो है उसके बारे में पढ़ रखा होगा, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है, चार ऑप्शन आते हैं, वो कहीं ना कहीं क्लिक हो जाता है कि ये इसका ये आंसर होना चाहिए और वो सही होता है, क्योंकि इतनी चीज हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज टकरा जाती है, तो हमें जो है दिमाग में कहीं ना कहीं रहती है और वो क्लिक हो जाती है। तो फर्स्ट स्ट्राइक वाला जो ऑप्शन है वो आपको लगाना है, उसको चेंज नहीं करना है। दूसरा उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन ज्यादातर सही होता है, ये मैं पहले बताया कि हमेशा ये सही नहीं होगा, कभी कभी जो है नहीं भी सही होता उपरोक्त सभी वाला आंसर, लेकिन ज्यादातर मामलों में सही होता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है भाई इसका ये आंसर सही है 100%, फिर आपको उपरोक्त सभी में जाना ही नहीं है। उपरोक्त सभी में कब जाएंगे जब आपको पता ही नहीं है, आपको तुक्का लगाना है तो आप लगा के आ जाओ, आपका सही हो जाएगा, हो सकता है सही। एक रहता है कि चार ऑप्शन में से किसी एक में कुछ ना कुछ ब्रैकेट में लिखा रहता है, उसको क्लियर करने के लिए वो ब्रैकेट में लिखते हैं, तो वो ब्रैकेट वाला जो ऑप्शन होता है वो ज्यादातर सही रहता है। यहां पर भी गारंटी नहीं है, आप ऐसा सोचेंगे भाई सर ने बोला था कि वो लगा दो, आपको अगर दूसरा ऑप्शन सही लग रहा है लेकिन आपको मैंने बता दिया कि भाई ब्रैकेट वाला ऑप्शन सही होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है ये। लेकिन मैंने आपको पहले बोला है कि अगर आपको तुक्का लगाना है, आपका गलत हो रहा है, तो आप इस टिप्स का यूज करेंगे तो आपके क्वेश्चन सही होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा चार में से एक ऑप्शन बड़ा रहता है,
चार ऑप्शन है उसमें एक ऑप्शन बड़ा रहता है, तो वो बड़ा जो ऑप्शन है वो ज्यादातर सही माना जाता है, सही रहता है। तो इस तरीके से जो है कुछ टिप्स हैं जिनका हम यूज करके ज्यादा से ज्यादा आंसर सही कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होती हैं। अगर आपको आंसर क्लियर है तो आपको उस आंसर को लगाना है, फिर इस टिप्स का यूज करने की जरूरत नहीं। अगर आपको नहीं पता है तुक्का लगाना है तो फिर इसका यूज करके और सही कर ले सकते हैं। इस तरीके से आपका पेपर सॉल्व हो गया। बीच में आपके पास समय दूसरे पेपर पहले पेपर के बीच में जो समय रहता है उसमें जो है पेपर संबंधी कोई चर्चा आपको नहीं करनी है, ना तो पेपर सॉल्व करना है ना ही किसी से डिस्कस करना है। रेस्ट करें, दूसरा सीसेट का पेपर के लिए कोई ज़्यादा तैयारी कोई याद करने की जरूरत नहीं रहती है। जो फॉरेस्ट वाले लोग जो फॉरेस्ट देने वाले रहते हैं वो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, कुछ चीज़ें देख सकते हैं, है ना। बाकी रेस्ट करें, दूसरा पेपर दें, इसके बाद जब घर आ जाएं तब पेपर पर चर्चा करें, बीच में चर्चा नहीं करें। एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट होती है, कभी कभी क्या सेट को लेकर के प्रॉब्लम आ जाती है। किसी सेट में स्टार्टिंग से क्वेश्चन जो है टफ आ जाते हैं, किसी सेट में स्टार्टिंग क्वेश्चन ईजी रहते हैं, तो आपको उससे घबराना नहीं है। इसलिए एक बार पूरा पेपर पहले पढ़ लें तो आपको उस पेपर के बारे में पेपर के स्टैंडर्ड के बारे में पता चल जाए। तो इस तरीके से जो है मैंने जो भी सावधानियां बताई हैं, जो भी टिप्स बताई हैं, उनका अगर सही ढंग से आप यूज करेंगे तो मैं समझता हूँ आपको बहुत फायदा होगा। सारे वीडियो जो मैंने अपलोड किए हैं उनको आप देखें, उससे आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं और आप आगे प्रीका एग्जाम दे करके मेंस के लिए तैयारी करें, है ना। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड लक, जय हिंद, वंदे मातरम।